अतीत खत्म हो चुका है, भविष्य अनिश्चित है, वर्तमान ही सब कुछ है। जो तुम्हारे पास है इसलिए खाओ पियो और खुशी से जियो। हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर आप किसी मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से आंकेंगे तो वह अपनी पूरी जिंदगी यह मानकर जिएगी कि वह मूर्ख है। एक जहाज सिर्फ किनारों पर ही सुरक्षित रह सकता है, लेकिन वो किनारों के लिए बना नहीं होता है। जब आप एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठे हों तो एक घंटा भी एक सेकंड के बराबर लगता है, लेकिन जब आप धधकते हुए अंगारों पर बैठे हों तो एक सेकंड भी एक घंटे के बराबर लगता है। यही सापेक्षता है। मानव जाति ने परमाणु बम का आविष्कार किया, लेकिन कोई चूहा कभी एक चूहेदानी का निर्माण नहीं करेगा। पागलपन, एक ही काम को बार बार दोहराना और एक अलग परिणाम की उम्मीद करना है। अगर मेरे पास किसी समस्या को हल करने के लिए एक घंटा हो तो मैं पहले 55 मिनट समस्या के बारे में सोचूंगा और बाकी 5 मिनट उसका हल सोचने के बारे में लगाऊंगा। जिंदगी एक साइकिल चलाने की तरह है। अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको बराबर चलते रहना होगा। जिस व्यक्ति ने कभी गलती ही नहीं की, उस व्यक्ति ने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मेरे पास कोई अलग से स्पेशल टैलेंट नहीं है, मैं बस बहुत ज्यादा जिज्ञासु हूं। अनुभव ज्ञान है, बाकी सब जानकारी है। जीनियस और स्टुपिड के बीच में ये अंतर है कि जीनियस की अपनी सीमाएं हैं। हम सभी जानते हैं कि लाइट साउंड से अधिक तेज ट्रेवल करती है, इसलिए कुछ लोग बड़े ब्राइट लगते हैं जब तक आप उन्हें बोलते हुए नहीं देख लेते। अज्ञानता से अधिक खतरनाक एक ही चीज है, अहंकार। मुझे वह बनने के लिए जो मैं बनना चाहता हूं, जो मैं हूं उसे छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते वह आप खोज नहीं सकते। दुनिया जीने के लिए बहुत खतरनाक जगह है, उन लोगों की वजह से नहीं जो बुरे हैं, बल्कि उनकी वजह से जो इसके लिए कुछ नहीं करते। ज्यादातर शिक्षक अपना समय ऐसे सवाल को पूछने में बर्बाद कर देते हैं जिनका मकसद ये जानना होता है कि छात्र क्या नहीं जानता है, जबकि सवाल पूछने का सही मतलब ये पता लगाना है कि छात्र क्या जानता है या क्या जानने में सक्षम है। ये दुनिया जैसा हमने इसे बनाया है हमारी सोच का परिणाम है। हम बिना अपनी सोच बदले इसे बदल नहीं सकते। क्या आप चमत्कार में विश्वास करते हो? हां, तुम्हें करना चाहिए। वास्तव में जीवन अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, पहला ये कि कोई चमत्कार नहीं है, और दूसरा ये है कि दुनिया की हर एक चीज चमत्कार है। पुरुष महिलाओं से इस उम्मीद से शादी करते हैं कि वे कभी नहीं बदलेंगी। महिलाएं पुरुषों से इस उम्मीद से शादी करती हैं कि वे बदल जाएंगे। हमेशा दोनों के हाथ निराशा लगती है। शिक्षा वो है जो स्कूल में सिखाई गई चीजों के भूल जाने के बाद बचती है। तर्क आपको ए से जेड तक ले जाएगा, लेकिन कल्पना आपको कहीं भी ले जा सकती है। अपने आप को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों को खुश करना है। अगर आप प्रसन्नता पूर्वक जीना चाहते हैं तो अपने जीवन को एक व्यक्ति या वस्तु की बजाय किसी एक लक्ष्य से बांधो।
ईश्वर के सामने हम सब एक बराबर हैं, एक बराबर ही बुद्धिमान और एक बराबर ही मूर्ख। कल से सीखो, आज जियो और कल की आशा रखो। जरूरी बात यह है कि प्रश्न करना ना छोड़ो। जो छोटी छोटी बातों में सच को गंभीरता से नहीं लेता, उस पर बड़े मसलों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कोई भी समस्या चेतना के उस स्तर पर रहकर कभी हल नहीं की जा सकती जिस पर वह उत्पन्न हुई है। जो इंसान हमेशा सत्य और ज्ञान की खोज में लगा रहता है, तो यह उस इंसान की सभी विशेषताओं में से सबसे बड़ी विशेषता हो सकती है। व्यक्तित्व कभी भी देखने से या सुनने से नहीं बनता है, बल्कि कड़ी मेहनत और लगातार काम करने से बनता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुद्धिमान हों, तो उन्हें परियों की कहानी सुनाएं, और अगर आप चाहते हैं कि वो और भी ज्यादा बुद्धिमान हों, तो उन्हें और परियों की कहानी सुनाएं। वक्त बहुत ही कम है, अगर हमें कुछ करना है तो अभी से शुरू करना होगा। किसी भी इंसान का मूल्य इससे देखा जा सकता है कि वो क्या दे सकता है, इससे नहीं कि वो क्या ले सकता है। जो जीवन दूसरों के लिए जिया जाता है, केवल वही जीवन ही सार्थक जीवन है। जब तक हम आज अपनी सोच नहीं बदलते, तब तक हम वहां नहीं पहुंच सकते जहां हम कल होने का सपना देखते हैं। जीनियस 1% टैलेंट है और 99% हार्डवर्क है। जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम उनके पार चले जाते हैं। किसी भी इंसान को हमेशा सिर्फ यह देखना चाहिए कि क्या है, यह नहीं कि उसके अनुसार क्या होना चाहिए। एक निराशावादी और सही होने के बजाय मैं एक आशावादी और मूर्ख होना चाहूंगा। आप कभी भी फेल नहीं हो सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। कठिनाइयों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कठिनाइयों के बीच ही अवसर छुपे होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूं, बस मैं समस्याओं के साथ ज्यादा देर तक रहना पसंद करता हूं। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तुम आसानी से इसे समझा नहीं सकते, इसका मतलब तुमने इसे अच्छी तरह से समझा नहीं है। प्रशंसा के भ्रष्ट प्रभाव से बचने का एकमात्र तरीका काम करते रहना है। कभी कभी लोग उन चीजों के लिए भी बहुत अधिक मूल्य चुकाते हैं जो मुफ्त में मिल जाती हैं। भेड़ के किसी झुंड का बेदाग सदस्य बनने के लिए सबसे पहले आपको एक भेड़ होना चाहिए। जो सही होता है वो हमेशा प्रसिद्ध नहीं हो सकता, और जो प्रसिद्ध होता है वो हमेशा सही नहीं हो सकता। बिना सवाल किसी अधिकृत व्यक्ति का सम्मान करना सत्य के खिलाफ जाना है। मैं जन्नत और जहन्नुम में से किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मेरे दोस्त दोनों जगह हो सकते हैं। पहले आपको गेम के नियम सीखने चाहिए, तभी आप किसी भी खिलाड़ी से अच्छा खेलेंगे। ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो बुद्धि है जो महान वैज्ञानिक बनाती है। दरअसल वो गलत है, चरित्र ही एक महान वैज्ञानिक बनाता है। यदि तथ्य से सिद्धांत नहीं मिलते हैं, तो तथ्य ही बदल डालिए। अगर आप धर्म को हटाकर विज्ञान को देखोगे, तो वो एक अपाहिज है,
और विज्ञान के बिना धर्म को देखोगे तो वो अंधा है। क्रोध सिर्फ और सिर्फ मूर्ख लोगों की छाती में बसता है। असली जोखिम से ही विश्वास की पहचान होती है। बुद्धिमता का सही संकेत ज्ञान नहीं होता, बल्कि बुद्धि का सही संकेत कल्पनाशीलता है। छात्र में रचनात्मक अभिव्यक्ति और ज्ञान में आनंद जगाना ही शिक्षक की सबसे बड़ी कला है। शांति ताकत से कायम नहीं रखी जा सकती, ये तो केवल समझ से प्राप्त की जा सकती है। दुनिया के बारे में सबसे ज्यादा जो बात समझ से बाहर है वो ये कि इसे समझा जा सकता है। मुझे नहीं पता कि किन हथियारों से तृतीय विश्व युद्ध लड़ा जाएगा, मुझे बस इतना पता है चौथा विश्व युद्ध लाठियों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। हर एक चीज जितना संभव हो उतनी ही सरल बनाई जानी चाहिए, लेकिन उससे सरल नहीं। एक कुर्सी, एक मेज, एक कटोरा फल और एक वायलन, भला खुश रहने के लिए और क्या चाहिए? अगर हमको मानव जाति को जीवित रखना है तो हमें बिल्कुल नई सोच की आवश्यकता होगी। मैं भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूं, क्योंकि यह तो बहुत ही जल्दी आ जाता है। एक ऐसा भी समय आता है जब दिमाग ज्ञान के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, लेकिन कभी साबित नहीं कर पाता है कि वहां वह कैसे पहुंचा। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ता है लेकिन अपने खुद के दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करता है, ऐसा व्यक्ति सोचने की आलसी आदत में फंस जाता है। कभी भी उस चीज को याद मत करना जिसे आप देख सकते हो। एक चतुर व्यक्ति समस्या को हल कर देता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा उससे बच जाता है। वो सत्य है जो अनुभव के परीक्षण पर खरा उतरता है। नजरिए की कमजोरी ही चरित्र की कमजोरी बन जाती है। केवल वो जो पूरे जी जान से किसी कारण के खुद को समर्पित कर देता है वही एक सच्चा माहिर बन सकता है। इसलिए महारत व्यक्ति से उसका सब कुछ मांगती है। जिस दिन आप सीखना छोड़ देते हैं उस दिन से समझ लो आप मरना शुरू कर देते हैं। सभी मजहब, कला और विज्ञान एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। प्रकृति में बहुत ही गहराई से देखो, फिर आप हर एक चीज को बेहतर ढंग से समझ पाओगे। महान आत्माओं को हमेशा छोटी सोच वाले लोगों के हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा है। सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करो, बल्कि सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति बनने का प्रयत्न करो। हर वो चीज जो गिनी जा सके मायने नहीं रखती, और हर वो चीज जो गिनी नहीं जा सकती मायने रखती है। जरूरी बात यह है कि हम कभी भी प्रश्न करना न छोड़ें। जिज्ञासा के मौजूद होने के अपने खुद के कारण हैं। एक प्रश्न जो मुझे कभी कभी उलझा देता है, क्या मैं पागल हूं या फिर बाकी लोग पागल हैं? हम कभी भी समस्याओं को उस तरह की सोच इस्तेमाल करके नहीं सुलझा सकते जिस सोच का इस्तेमाल करके हमने समस्या को पैदा किया था। मेरा मानना है कि हम यहां अच्छा करने के लिए हैं। यह प्रत्येक मनुष्य का उत्तरदायित्व है कि वह कुछ सार्थक करने की अभिलाषा करे। दुनिया को हमने जो पाया है उससे बेहतर स्थान बनाए। भगवान ने बुराई नहीं बनाई। जैसे अंधकार प्रकाश की अनुपस्थिति है,
वैसे ही ईश्वर की अनुपस्थिति बुराई है। उस व्यक्ति की मत सुनो जिसके पास उत्तर है, उस व्यक्ति को सुने जिसके पास प्रश्न है। आपके जीवन में जो कुछ भी मौजूद है वह दो चीजों के कारण है, जो कुछ आपने किया या जो कुछ आपने नहीं किया। ज्ञान और अहंकार का सीधा संबंध है, जितना कम ज्ञान उतना बड़ा अहंकार। लीडर वह है जो अव्यवस्था में से सरलता, कलह में से सद्भाव और कठिनाई में से अवसर लाता है। दृढ़ता पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली शक्ति है, यह पहाड़ों को हिला सकती है। जितना अधिक मैं विज्ञान का अध्ययन करता हूं उतना ही अधिक मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं। बूढ़े मत होना, चाहे तुम कितने ही दिन जीवित रहो। हम जिस महान रहस्य में पैदा हुए थे उसके सामने जिज्ञासु बच्चों की तरह खड़े रहना कभी बंद न करना। सिर्फ इसलिए कि आप किसी चीज में विश्वास करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच है। मूर्खता के उपचार के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। आपके जीवन में एक समय आता है जब आपको अन्य लोगों की किताबें पढ़ना बंद करने और अपनी खुद की किताब लिखने की आवश्यकता होती है। जिन विचारों ने मेरे मार्ग को प्रकाशित किया है वे दया, सौंदर्य और सत्य हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत दो, उनके कर्मों पर ध्यान दो। सरकार लोगों के लिए बनी है, लोग सरकार के लिए नहीं। अर्थात सरकार हमारी सेवक होनी चाहिए, न कि हम उसके दास। एकांतवासी बनो, यह आपको आश्चर्य करने का समय देता है। ईश्वर द्वारा अपनी अनामता बनाए रखने हेतु अपनाया गया मार्ग संयोग कहलाता है। एक परिभाषित समस्या आधी हल की हुई समस्या है। प्रतिभा जटिल विचारों को सरल बना रही है, सरल विचारों को जटिल नहीं। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तीन बड़ी ताकतें दुनिया पर राज करती हैं, मूर्खता, भय और लालच। सोचना कठिन काम है, इसलिए बहुत कम ऐसा करते हैं। चमत्कारों की प्रतीक्षा मत करो, तुम्हारा पूरा जीवन एक चमत्कार है। मुझे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मुझे बस यह जानने की जरूरत है कि मुझे यह कहां मिलेगा जब मुझे इसकी जरूरत हो। अगर एक दिन आपको दुनिया और प्यार के बीच चुनना पड़े तो याद रखें, यदि आप दुनिया को चुनते हैं तो आप बिना प्यार के रह जाएंगे, लेकिन अगर आप प्यार को चुनते हैं तो इसके साथ आप दुनिया को जीत लेंगे। अधिकांश लोग देखते हैं कि क्या है और कभी नहीं देखते कि क्या हो सकता है। सफलता जिज्ञासा, एकाग्रता, दृढ़ता और आत्मालोचना से मिलती है। चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का आठवां अजूबा है। जो इसे समझता है वह कमाता है, जो नहीं समझता वह चुकाता है। सबसे अच्छा डिजाइन वो है जो सबसे सरल है, जो काम करता है। जांच से पहले निंदा अज्ञानता का उच्चतम रूप है। जब आप प्यार में ठोकर खाते हैं तो उठना आसान होता है, लेकिन जब आप प्यार में पड़ जाते हैं तो दोबारा खड़ा होना नामुमकिन होता है। कल्पना
ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कल्पना आत्मा की भाषा है। अपनी कल्पना पर ध्यान दें और आपको पता चल जाएगा कि आपको पूर्णता के लिए क्या चाहिए। जिस व्यक्ति ने एकांत का अनुभव किया है वह आसानी से सामूहिक सुझाव का शिकार नहीं बनेगा। यदि आप अलग अलग परिणाम चाहते हैं तो वही चीजें न करें। उन लोगों के प्रति दयालु रहें जो आपसे अलग हैं। यदि लोग अच्छे हैं क्योंकि वे सजा से डरते हैं और इनाम की उम्मीद करते हैं तो हम वास्तव में बहुत दुखी हैं। बदलने की क्षमता ही बुद्धिमता की माप है। आप एक नई दुनिया का पता लगाने के लिए पुराने मानचित्र का उपयोग नहीं कर सकते। यह भयानक रूप से स्पष्ट हो गया है कि हमारी तकनीक हमारी मानवता को पार कर गई है। सफल होने के लिए नहीं बल्कि मूल्यवान बनने के लिए प्रयास करें। गलतियां करने से बचने का एकमात्र निश्चित तरीका है कि कोई नया विचार न रखें। मुझे अतीत की तुलना में भविष्य में अधिक दिलचस्पी है क्योंकि भविष्य वह है जहां मैं रहना चाहता हूं। महिलाएं हमेशा उन बातों की चिंता करती हैं जिन्हें पुरुष भूल जाते हैं। पुरुष हमेशा उन बातों की चिंता करते हैं जो महिलाएं याद रखती हैं। इंटेलिजेंस जानकारी को स्टोर करने की क्षमता नहीं है बल्कि यह जानना है कि इसे कहां खोजना है। सीखना धन की शुरुआत है। खोज और सीखना वह जगह है जहां चमत्कार की प्रक्रिया शुरू होती है। आपके जीवन में बड़ी सफलता तब मिलती है जब आपको यह एहसास होता है कि आप अपने लिए निर्धारित किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ भी सीख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप क्या हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। जीवन को उसकी पूर्णता में जियो। यदि आप अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कृति बनाना चाहते हैं तो आपको समय समय पर रेखाओं के बाहर रंग भरना होगा। हर दिन कुछ हंसो, बढ़ते रहो, सपने देखते रहो, अपने दिल की सुनो। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूछताछ करना बंद न करें। पाखंडियों के समूह में एक ईमानदार व्यक्ति से अधिक आतंक कोई नहीं पैदा कर सकता। शिक्षा केवल ज्ञान के वृक्ष से फल प्राप्त करने की एक सीढ़ी है, स्वयं फल नहीं। स्वतंत्र होने का अर्थ है स्वतंत्र होना, दूसरे जो सोचते और कहते हैं उससे प्रभावित नहीं होना। सहज मन एक पवित्र उपहार है और तर्कसंगत मन एक वफादार नौकर है। हमने एक ऐसा समाज बनाया है जो नौकर का सम्मान करता है और उपहार को भूल गया है। छात्र कोई कंटेनर नहीं है जिसे आपको भरना है बल्कि एक मशाल है जिसे आपको जलाना है। अपने दिमाग को अपने दिल में दखल न देने दें। यदि आप भविष्य जानना चाहते हैं तो अतीत को देखें। दिन में कम से कम एक बार अपने आप को अपने लिए सोचने और सपने देखने की आजादी दें। यह पूरी तरह संभव है कि हमारी इंद्रियों की धारणा के पीछे दुनिया छिपी हुई है जिससे हम अनजान हैं। जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूं और इस पर विचार करता हूं कि भगवान ने इस ब्रह्मांड की रचना कैसे की तो बाकी सब कुछ बहुत तुच्छ लगता है। एक महिला हमेशा सही होती है लेकिन कभी कभी वह भ्रमित हो सकती है, गलत जानकारी प्राप्त कर सकती है या फिर अशिष्ट, जिद्दी या मूर्ख हो सकती है और अपने विचारों को लेकर अडिग भी हो सकती है
या कभी कभी बिल्कुल ही मूर्ख हो सकती है, लेकिन वह कभी गलत नहीं होती, वह हमेशा सही होती है। ब्रह्मांड के बुनियादी नियम सरल हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां सीमित हैं, इसलिए हम उन्हें समझ नहीं पाते। सृष्टि में एक पैटर्न है